अरे कौन प्रवीण तांबे भाई। दोस्तों हमारी क्रिकेट की दुनिया में काफी बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली हैं और बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनके बारे में हमें बात तो करनी चाहिए, जरूर हम लोग करते भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रवीण तांबे के बारे में। जी हाँ, ऐसा ही एक स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में दिया था प्रवीण तांबे के बारे में। कौन है प्रवीण तांबे? प्रवीण तांबे मुंबई की एक चौल में एक आम जिंदगी जो है हमारी तरह जी रहा था। बस एक ही उसका सपना था कि उससे रणजी ट्रॉफी खेलना है, एक क्रिकेटर बनना चाहता था वो, एक अच्छा नाम जो है क्रिकेट में कमाना चाहता था। उसे बड़े बड़े सपने नहीं थे कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी नौकरियां चाहिए, सिर्फ एक सपना था कि मुझे जिंदगी में एक बार रणजी ट्रॉफी खेलना है। पर काफी जो चैलेंजेस थे उसकी लाइफ में, एज बढ़ती जा रही थी, सिलेक्टर्स के जो टीम्स है उन्हें एज की वजह से काफी रिजेक्ट कर रहे थे। 34-35 साल की उम्र तक वो स्ट्रगल करता रहा कि एक बार उसे रणजी ट्रॉफी जो है खेलने को मिल जाए। काफी उन्होंने जो नौकरियां की, काफी अलग अलग जॉब्स किए, एक बार उनकी लाइफ में ऐसा फेज था कि उन्हें वेटर तक बनना पड़ा रात को। कुछ जर्नलिस्ट जो थे उनके उन्हें गली क्रिकेटर्स की तरह मानते थे कि भाई ये कुछ कर नहीं पाएगा। कई बार जो है उन्हें अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए छोटे छोटे टूर्नामेंट में जो प्राइज उन्हें मिलते थे, ऑलराउंडर के प्राइज मिलते थे, जो अलग अलग जो उन्हें पुरस्कार मिलते थे वो बेच के वो अपना घर चलाते थे। सिर्फ एक ही उम्मीद थी उनके मन में कि एक बार सिर्फ मैं रणजी ट्रॉफी जो है वो खेल लूं, पर उम्र की वजह से उन्हें, एज की वजह से उन्हें रिजेक्शन काफी मिलता। हम प्रवीण तांबे ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी 1 अप्रैल 2022 को। इसमें श्रेयस तालफड़े ने काफी अच्छा रोल जो है वो प्रवीण तांबे का निभाया है और ये जयप्रद देसाई की मूवी तेलुगु, तमिल और हिन्दी में रिलीज हुई है। शुरुआत में जब मैं हॉटस्टार वगैरह पे देख रहा था कोई नई मूवी वगैरह कौन सी चल रही है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था क्रिकेट के ऊपर मूवी होंगी। धोनी के बाद 83 और ऐसी कई जो है क्रिकेट के ऊपर मूवीज आई हैं, तो मुझे लगा कि उसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी। लेकिन बॉस जब मैंने ये मूवी देखी तो ये सब मूवीज यहाँ पे हैं, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे 83 हो, चाहे कोई और मूवी हो। और कौन प्रवीण तांबे? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये एक बार मूवी जरूर देखना। और प्रवीण तांबे 41 की एज के बाद उनकी लाइफ में काफी टर्निंग पॉइंट्स आए, काफी जो अचीवमेंट्स उन्होंने की क्रिकेट फील्ड में, और आज की तारीख में कोलकाता नाइट राइडर्स में एक अपना जो है गाइडेंस जो टीम है वो संभालते हैं। पहला उन्हें ब्रेक थ्रू जो है वो राजस्थान रॉयल्स में राहुल द्रविड़ के द्वारा मिला था। राहुल द्रविड़ ने उन्हें लॉन्च किया था क्रिकेट की दुनिया में, जैसे हम लोग कहते हैं कि आईपीएल में उन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद जाके उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलने का एक बार मौका मिला था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ये मूवी को जरूर देखिएगा। कौन प्रवीण तांबे, श्रेयस तालपड़े ने काफी अच्छा इसमें रोल किया है, जयप्रसाद देसाई की ये मूवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। ये थोड़ा दुख है, पर मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इसे इस फिल्म को कोई स्टार्स दे सकूं, क्योंकि इसमें जो रोल उन्होंने किया है वो हमारी सोच, हमारी कल्पना से काफी परे है। तो कौन प्रवीण तांबे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जरूर देखिएगा।